यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र में मकान की खुदाई करते वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में मकान में विस्फोट हो गया। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मकान में हुए विस्फोट के कारण 3 लोग भी इसमें घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि अब से कुछ सालों पहले भी इसी मोहल्ले में पटाखे बनाते वक्त एक मकान में भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें करीब आधा दर्जन के करीब लोगों की मौत हुई थी। और एक बार फिर इसी तरीके का हादसा यहां पर हुआ है। कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि आखिर किन कारणों के पीछे मकान में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि इस ब्लास्ट की वजह से 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है, लेकिन यहां पर एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि इसी मोहल्ले में कई साल पहले पटाखे बनाते वक्त फैक्ट्री में इसी तरीके का भीषण हादसा हुआ था, विस्फोट हुआ था। और एक बार फिर से यहाँ पर मकान की खुदाई करते वक्त ये हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है।